हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएम मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट के 10 ईयर कार्यकाल के बारे में कि उनकी गवर्नमेंट ने क्या अच्छे काम किए और किन कामों को करने में वो असमर्थ रही। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करेंगे कि अच्छे दिन आए या देश उससे भी और ज़्यादा पीछे चला गया। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो को अंत तक देखते रहें। जो संविधान की रक्षा कर रहा है और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया और इसके अंतर्गत सभी फिल्म स्टार और लोगों ने इनका बहुत सहयोग किया। ये कार्य इनका बहुत सफल रहा और अगर हम इस कार्य को रेट करें 10 में से तो हम नंबर देंगे 8। नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई और इसका कार्य डेटा एकत्र करना और राज्य और केंद्र को सलाह देना है। अगर हम मोदी जी के इस कार्य को रेट करें तो हम नंबर देंगे 10 में से 6, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारा गया, ये सिर्फ योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। अब साल आता है 2016, एक दिन मोदी जी ने अचानक आधी रात को नोटबंदी का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा जितने भी 500 और 1000 के नोट है आज से नहीं चलेंगे। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए की करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। दोस्तों, इस नोटबंदी के दो पहलू है, जहां एक तरफ लोगों ने इस कार्य की प्रशंसा की, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नोटबंदी के नाम पर देश में बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। नोटबंदी के नाम पे आजाद भारत का ये सबसे बड़ा स्कैम है। और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने नोटबंदी को डिजास्टर बताया। दोस्तों, आम आदमी को इससे बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी, इसलिए हम मोदी जी के इस कार्य को 10 में से नंबर देंगे 6। 500 के लिए पूरा हिंदुस्तान घूम रहे, आधा हिंदुस्तान, फिर भी छुट्टा नहीं मिल रहा है। 2000 के खिलौने निकले, इसको बोलो कि ना कुछ अच्छा करो। मोदी है या तो पगला गया है, वो कहावत है ना कि आदमी बुढ़ापे में सटिया जाता है, मेरे को लग रहा है ये मोदी सटिया गया है। ये 2000 की नोट निकाल रहा है, आज पब्लिक के पास 500 का छुट्टा लिए नहीं है किसी। बंद करो, अगर उसको नोट चेंज करना था तो हफ्ता 10 दिन पहले पहले जनता के बीच खबर करता, जनता अलर्ट होता, लेकिन आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। 2 दिन से मैं परेशान हो गया हूँ, भूखे हूँ, 2 दिन से खाना नहीं मिल रहा मुझको। 500 का नोट कोई 1000 का ले नहीं रहा है, मैं बैंक में चक्कर लगा रहा हूँ। दोस्तों, साल आता है 2017 और मोदी जी ने एक और स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से लगने वाला टैक्स है। GST को लागू करने वाला पहला स्टेट बना आसाम। दोस्तों, GST को अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से लगाया जा सकता है, जैसे 5%, 12%, 18% या 28% तक GST को लगाया जा सकता है। इसी डिफरेंस के कारण लोगों को ये टैक्स पसंद नहीं आया, इसलिए हम मोदी जी के इस कार्य को 10 में से नंबर देंगे 5। साल 2018 में मोदी जी ने 3 तलाक कानून ख़त्म किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 तलाक पूरे परिवार को तबाह कर देता है और अगर ये इतना ही ज़रूरी होता तो मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और मिस्र जैसे देश इसको बैन क्यों करते। इसलिए मोदी जी के इस कार्य को हम बहुत ही सराहनीय योग्य मानेंगे और उनके इस कार्य को हम 10 में से रेट करेंगे 9। साल 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, वो था धारा 370 को हटाना। इसके अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिए गए थे वो सारे ख़त्म किए गए और मैं अगर इस फैसले को पर्सनली तौर पे कहूँ तो मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ और मैं इस फैसले से 10 में से बीजेपी गवर्नमेंट को दूंगा 10 नंबर। 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक। दोस्तों, इस अटैक में CRPF के 40 जवान शहीद हुए और इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकवादी
जैश ए मोहम्मद ने ली। दोस्तों ये अटैक होने से पहले आर्मी ने प्रोटेक्शन मांगी थी कि हमको आप 4 हेलीकॉप्टर दीजिए, और यही बात जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी कही। पीपल आस्क फॉर एयरक्राफ्ट टू फेरी देयर पीपल बिकॉज इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था ये? आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी दे रिफ्यूज टू गिव। यस एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। और आर्मी की ये मांग सरकार ने नहीं मानी, और जिस कारण हम इस पुलवामा अटैक को रेट करेंगे 10 में से 2 नंबर। और दोस्तों साल आता है 2020, और 27 जनवरी को एक 20 वर्षीय महिला को सूखी खांसी और गले में खराश का मामला सामने आया। जी हाँ दोस्तों, ये वही कोरोना महामारी थी जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए। दोस्तों इस महामारी में भारत ने खुद वैक्सीन बनाई और दूसरे देशों की भी मदद की, जिस कारण भारत का नाम देश विदेश में फैला, और मोदी जी के हम इस कार्य को रेट करेंगे 10 में से 8। दोस्तों एक मुसीबत अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी, और केंद्र सरकार के सामने एक और मुसीबत आ गई, किसान आंदोलन। इस आंदोलन का ये असर रहा कि सरकार को 3 कृषि बिल वापस लेने पड़े। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। और दोस्तों इस आंदोलन में हम मोदी सरकार को नंबर देंगे 10 में से 1, क्योंकि इसमें 700 से अधिक किसान मारे गए और बहुत ही लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, जिस कारण मोदी सरकार इस कार्य को करने में असफल रही। और दोस्तों साल आता है 2022, मोदी सरकार के दिमाग में एक और योजना आती है, अग्निपथ योजना या अग्निवीर योजना। इस योजना के तहत आर्मी में युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। तीनों सेनाओं में सिर्फ 25% युवाओं को रखा जाएगा और 75% युवाओं को बाहर कर दिया जाएगा। और दोस्तों इस योजना के तहत युवाओं में काफ़ी रोष देखने को मिला, और 100 से अधिक युवाओं ने अपनी जान ले ली। बीजेपी गवर्नमेंट के इस बहुत ही घटिया फैसले को हम नंबर देंगे 10 में से 0। दोस्तों साल आता है 2023, और 3 मई को मणिपुर में बहुत ही बड़ी हिंसा हुई। हिंसा 2 समुदाय के बीच हुई, मैतेई और कुकी। दोस्तों मैतेई की मांग थी कि हमको भी कुकी की तरह ST का स्टेटस दिया जाए। दोस्तों देखते ही ये लड़ाई एक सिविल वॉर में बदल गई, और तो 140 से ज़्यादा लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। लेकिन दोस्तों आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ के CM ने भी कुछ कार्य नहीं किया और मणिपुर को ऐसे ही जलने दिया। दोस्तों मणिपुर पर जब संसद में विपक्ष ने सवाल उठाए, मजाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी सवालों का जवाब दिया हो। और दोस्तों मोदी जी ने अपने फायदे के लिए मणिपुर को यूं ही जलने दिया, और उनकी इस चुप्पी पे हम नंबर देंगे उनको 10 में से 0। फरवरी 2024, लद्दाख अपनी पूर्ण राज्य की मांग और 6th शेड्यूल की मांग कर रहा है। लद्दाख के लोगों और सोनम वांगचू का कहना है, जो आपने हमें वादा किया था वो आप पूरा कीजिए। दोस्तों लद्दाख वाली, अगर ये आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाएं और ज़रूर देखें। तो लद्दाख के लोगों को 50 से भी अधिक दिन हो गए हैं, लेकिन मजाल है कि सरकार ने उनकी एक भी मांग सुनी हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के इसी रवैये को हम देंगे 10 में से 2 नंबर। दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरा एनालिसिस किया 2014 से लेकर 2024 तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।